इंदौर में भाजपा नेता व विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य मंदिर निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के अभियान के उपलक्ष्य में मालवा प्रांत के संगठन मंत्री नंदलाल डंडोतिया, हिंदूवादी नेता संतोष शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डॉक्टर व सामाजिक लोगों के साथ की संगोष्ठी और कहा कि इस मंदिर के लिए किसी भी धर्म का, किसी भी महजब का व्यक्ति आकर निधि समर्पण कर सकता है। हमारा यह संगोष्ठी इसलिए, चूंकि हर व्यक्ति वहां तक जाने में असमर्थ है, इसलिए हम कॉलोनी, मोहल्ला, शहर जैसे कई इलाकों में जाकर समाज के लोगों से अपील करेंगे। वही हिंदूवाद नेता संतोष शर्मा ने कहा कि लोगों में एक बार उत्साह है, देश में दिवाली जैसा माहौल है। जिस तक पहुंचने की कोशिश की जाए, हम लोग जितने भी हिंदू हैं सभी वर्गों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और ये संगोष्ठी आज जो आयोजित की गई है वो इसीलिए आयोजित की गई है जिससे लोगों में और जागरूकता भी आए निधि समर्पण को लेकर। विश्व हिंदू परिषद का सीधा सीधा उद्देश्य है कि जो राम लला का मंदिर है उसका आकार भव्य हो, और जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम बसे हुए हैं, और हर व्यक्ति तो पहुँच नहीं सकता है मंदिर निर्माण में, तो मंदिर निर्माण में जो भी समर्पण है, जो भी भाव है, उस भाव को वो राशि के रूप में मंदिर तीर्थ क्षेत्र में भेज रहे हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का राम मंदिर बनने में योगदान हो सके। यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को, इस निधि समर्पण को शुरू किया है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, और हम चाहते हैं प्रत्येक हिंदू इसमें शामिल हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का व्यक्ति, क्योंकि राम केवल है हिंदुओं के या सनातन के नहीं है, राम सबके हैं, तो राम मंदिर निर्माण के लिए कोई भी व्यक्ति निधि समर्पित कर सकता है, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं। तो राम मंदिर, राम सबके हैं, और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, पूरा देश उत्सुक है। आज अगर देखा जाए कि जब से मंदिर की स्थापना हुई है, मंदिर निर्माण की स्थापना हुई है, तब से दिवाली जैसा माहौल है पूरे देश में। प्रत्येक व्यक्ति राम के लिए कुछ समर्पण करना चाहता है, तो विश्व हिंदू परिषद ने ये कार्यक्रम इसलिए चलाया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकता है, तो ये एक समर्पण भाव है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति का भाव जुड़ा हुआ है। आपका नाम? मैं संतोष शर्मा, कार्यकर्ता हूँ विश्व हिंदू परिषद का, भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि भारत जो है वो अपने आप में शक्तिशाली देश है, तो विश्व में इसकी आवाज जा रही है, और विश्व इस चीज को देख रहा है कि भारत में आज प्रत्येक घर में इस तरह की दिवाली भी बन रही है कि हर व्यक्ति जो है राम लला का मंदिर समर्पण भाव से बनाने के लिए आतुर है। क्योंकि आप देखिएगा कि मैं जो टोली चल रही है या निधि समर्पण के लिए जो लोग जाते हैं, उसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय को भी छोड़कर रामलला के लिए लगा हुआ है। यही हमारी भारत की शक्ति और ताकत है, सनातन की ताकत है। निश्चित रूप से आप लंबे समय से 90 के दशक से चलता आ रहा है, और वो प्रशंसनीय शब्द उसके लिए छोटा है, आप बड़े तनमन से लगे हैं। एक बहुत छोटी सी बात जो आम लोगों में जिज्ञासा के रूप में रहती है कि एक समय और था जब मालवा प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री जी है श्रीमान नंदलाल जी दंडोतिया जी। तो भाई साहब, इस मामले में जितनी मेरे पास जानकारी है उसके आधार पर एक पहले हुआ था सवा रुपए वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।